This is Channels Television's Breaking News. मैं सैयद मजरुद्दीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं हिंदुस्तान में सुलग रही एक ऐसी आग के बारे में जिसकी चपेट में आकर कई सारे लोग मर चुके हैं, और हो सकता है कि कल उस जगह पर आप हो, या आपके भाई हो, या आपकी वालिदा हो, या आपके बेटे हो। आज हमारे इस प्रोग्राम में मैं बात करने वाला हूँ मॉब लिंचिंग के बारे में, जो हमारे देश का एक बहुत ही सख्त मसला बन चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम अजीम है, जो अपना गांव छोड़कर आया है ऐसे अच्छे बच्चे मिलकर, और कुछ लोग आते और कहते हैं कि ग्राउंड से चले जाओ सिर्फ इस बात पर कि तुम मुस्लिम हो, यहाँ से चले जाओ, ये ग्राउंड में तुम नहीं खेल सकते। तो बच्चे कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। तो वहां पर जो बाकी 6 बच्चे थे उसमें से 5 चले गए, वहां पर रुका हुआ था अजीम, और उसे इतनी बुरी तरह से मारा जाता है। और वो जब बाकी 5 बच्चे वापस मदरसे गए थे, वो वहां पर क्लियरिंग इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब उनके मदरसे वाले आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अजीम को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और जब वो उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो पता चलता है कि अजीम मर चुका है। जरा से सोचिए, वो हिंदुस्तान में पिछले 2 महीनों में 16 मॉब लिंचिंग के वाकयात हो चुके हैं, जिसमें अब तक 21 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से एक ट्रांसजेंडर भी था, एक मुखन्नस भी था। अगर हमें इस मॉब लिंचिंग को रोकना है तो आपको इसकी आवाज बनना होगा, मुझे इस आरक्षण की आवाज बनना होगा, हर देश के नागरिक को इसकी आवाज बनना होगा, और तभी इस मॉब लिंचिंग को रोका जा सकता है। और आप इसका जवाब हमें कमेंट करें कि मॉब लिंचिंग को हम किस तरह से रोक सकते हैं। आगे के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। FM TV, दिखिए।